2 × 3 = 3, 3 × 4 = 8, 4 × 4 = 9, 3 × 4 = 16, 3 × 4 = 64 बराबर 0 हल करके x की वैल्यू निकालना, उसी समय बता दिया करो। आर वन की जगह क्या लिखेंगे, आर वन माइनस आर टू, आर वन की जगह लिखेंगे आर वन माइनस आर टू, मैं वही नियम लगाऊंगा, और आर टू की जगह लिखेंगे आर टू माइनस आर थ्री। एक्स ऋण दो ऋण एक्स धन चार दो आएगा, ये ठीक है। 2 × 3 = 2 × 9, 9 × 3 = 6 आएगा, और 3 × 4 = 3 × 16, 16 × 4 = 12। यहाँ तो एकदम सही है, एक्स ऋण चार में एक्स ऋण आठ गया तो 4 आएगा, और 2 × 9 में और ऋण 2 × 27 = 18, 18 × 9 = 27, और यहाँ 3 × 16 में 3 × 64 जब घटेगा तो 48 बचेगा, ठीक। और यहाँ 1 × 8 2 × 27 3 × 64। अभी हम दो कॉमन लेंगे, आर वन में दो कॉमन लेंगे और आर टू में भी दो कॉमन लेंगे, तो 2 × 2 = 4 तो बाहर हो गया, 1 × 3 = 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। यहाँ दो कॉमन लेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 24। यहाँ 1 × 8 2 × 3 = 27 3 × 3 = 64। अब इसके बाद बहुत सावधानी से करिएगा। अब यहाँ 3 का गुणा कर घटा देंगे, बहुत आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 0, ये तो ऐसे ही रहने दें, ये लाइन ध्यान रखिएगा। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 0, 3 × 6 = 9, 9 × 6 = 3। फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 × 3 = 24, 2 × 3 = 27 - 3 ×, यहाँ देखिए 3 का गुणा करेंगे +24, ऋण x धन 3। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ का एक गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 6 में 6 = 0, 9 × 2 = 18, 24 × 18 = 6। यहाँ 2 का गुणा करेंगे 3 × 3 = 64, ऋण 2 का गुणा करेंगे 2 × 2 = 4 × + 54, ऋण x धन 10। अब हम क्या करेंगे, आर वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 4 तो चाहे इसको हटा दो चलेगा, 4 का डिवाइड कर दो, आर वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 3 × 10। अब त्रिक गुणा करेंगे तो ऋण 3 × ऋण 30 प्लस हो जाएगा 6 × 6 = 18, 6 × 3 × 3 × ऋण 12, 3 × 12 = 6, ये हल हो गया। ए बी सी 1 BCA 1 CAB प्रूव करना, a - b, b - c, c - a, यही लाना है बच्चों, a - b, b - c, c - a लाना है। 111 देखे आपके दिमाग में तुरंत आया, आर वन में आर टू घटा दें और आर टू में आर थ्री घटा दें, 1 में 1 = 0, a में b = b, b c = c, 1 में 1 = 0, b - c, c a - a b, इधर 1 CAB। थोड़ा कॉमन ले लेते बच्चों, तो 0 a = b, यहाँ देखिए c कॉमन ले लीजिए तो a - b, 0 b = c, यहाँ a कॉमन ले लो b - c, यहाँ 1 CAB। अब a - b R1 में और b - c R2 में कॉमन ले लिए, a - b, b - c जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 0 1 - c, 0 1 - a 1 CAB। अब क्या करेंगे, c1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, a - b, b - c, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो होगा 1 - c, 1 - a, a - b, b - c, -a + c,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक्स के लिए हल कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। तो यहां पे देखिए जीरो बराबर दिया है, तो सिद्ध करना नहीं, हल करना है। एक्स प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए, और ए बी एक्स प्लस सी जीरो के बराबर है। अब आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप ध्यान दीजिए, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सी वन सी टू सी थ्री को जोड़ दीजिए। सी वन की जगह लिखिए सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, उससे कॉमन हो जाएगा। आपका आ गया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी और सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस बी और ए, और एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। अब एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लीजिए। और ये देखिए ब्रेकर में जरूर लिखिए, बाहर में ऐसे ब्रेकर में जरूर लिखिएगा, वन 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 बी एक्स प्लस बी बी सी ए एक्स प्लस सी। अब ट्रिपल वन दिख गया आपको, क्या करना है, आर वन में आर टू, आर टू में आर थ्री घटा देना है। आर वन की जगह आर वन माइनस आर टू, और आर टू की जगह आर टू माइनस आर थ्री घटा देंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। वन में वन गया जीरो, बी रीड एक्स रीड बी रीड एक्स सी रीड ए। वन में वन गया जीरो, एक्स प्लस बी में बी गया एक्स, और ए में एक्स प्लस सी गया, ए है ए रीड एक्स रीड सी, ए रीड एक्स रीड सी, राइट, ए में एक्स प्लस सी गया, तो ए रीड एक्स रीड सी वन, बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, सी वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां क्या मिलेगा रीड एक्स सी रीड एक्स ए रीड एक्स रीड सी, यहां तक कर लीजिए। पहले रखते थे आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन तो भी आ जाता, थोड़ा गुणा यहाँ छोटा पड़ जाता, आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन तो यहाँ जो है यक्स आ जाता, और इसमें कर देते यक्स आ जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे भी कर सकते, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ गुणा करेंगे बेटा, रीड ए एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इधर घटाएंगे माइनस सी एक्स प्लस एक्स, एक्स सी एक्स सी एक्स कैंसिल, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स जीरो होगा, या एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी जीरो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स बराबर जीरो आएगा, या एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जाना है चौथा क्वेश्चन, देखिए एक्स क्यूब प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब प्लस वन वाई स्क्वायर वन वाई, और जेड क्यूब प्लस वन जेड स्क्वायर जेड, क्या प्रूफ, एक्स क्यूब प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब प्लस वन वाई स्क्वायर वाई, जेड क्यूब प्लस वन जेड स्क्वायर जेड बराबर, आपको प्रूफ करना है एक्स वाई जेड प्लस वन एक्स रेड वाई वाई रेड जेड एक्स रेड जेड। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, जिसमें दिया गया था कि एक्स और वाई जेड भिन्न भिन्न है, तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड बराबर रीड एक, तो वहाँ हम लोगों ने इसका प्रूफ किया था। तो लेकिन अब देखिए, अब इसको ही इसके बराबर लाना है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार दोहरा देते हैं। आप देखिए प्रॉपर्टी पढ़े हो कि यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयव का योग है, तो साड़ी को उसी कोड की दो या दो से अधिक साड़ियों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड, और दूसरा पार्ट आपका होगा वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब देखिए बच्चों, यहाँ कॉमन है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, आर वन में एक्स आर टू में वाई आर थ्री में जेड कॉमन, तो एक्स वाई जेड तो बाहर हो जाएगा, तो बचेगी एक्स कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स वन, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर वाई वन, और जेड स्क्वायर जेड वन। यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को इसी जैसा बनाया जा सकता है, अब मैं इसी सेकेंड वाले को बदल दे रहा हूँ,
सी वन और सी टू को परस्पर विनिमय कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, सी वन और की जगह सी टू की जगह सी वन, तो आगे रीड आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको देख के ही मैं कर रहा हूँ, और वन 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 आ जाएगा और एक्स वाई जेड। फिर हम क्या करेंगे, सी टू और सी थ्री आसन्न पंक्ति होगा, क्योंकि वन 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 को हम सी थ्री की जगह ले जाएंगे, फिर माइनस आ जाएगा, यानी कि अब विनिमय किसका करेंगे, इसका सी टू और सी थ्री का विनिमय करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये तो पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वन वाई स्क्वायर वाई वन जेड स्क्वायर जेड वन, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि फिर माइनस आएगा, तो एक्स वाई जेड वन वन वन, सी टू और सी थ्री का विनिमय कर दिए। अब देखिए सेम हो गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस वन, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वन वन वन। यहां तक आर वन में आर टू और आर टू में आर थ्री घटा देते हैं, आर वन में आर टू और आर टू में आर थ्री घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एड वाई स्क्वायर एक्स रेड वाई वन माइनस वन जीरो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड जीरो, या जेड स्क्वायर जेड वन। अब हम गुणनखंड कर लेंगे, एक्स वाई जेड प्लस वन, एक्स ऋण वाई एक्स धन वाई एक्स ऋण वाई जीरो, वाई ऋण जेड वाई प्लस जेड वाई ऋण जेड जीरो, और जेड स्क्वायर जेड वन। अब हम क्या वाई आर वन से और आर टू से वाई ऋण जेड कॉमन ले लेंगे, तो एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड कॉमन लेंगे, तो बचेगा इसके पास एक्स धन वाई वन जीरो, इसके बाद बचेगा वाई प्लस जेड वन जीरो, और ये बचेगा जेड स्क्वायर जेड वन। अब हम सी थ्री के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो चिन्ह तो इसका प्लस ही है, एक्स वाई जेड प्लस वन एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड, मिलेगा एक्स प्लस वाई वन वाई प्लस जेड वन, हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वन एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट मिल गया एक्स वाई जेड प्लस वन एक्स ऋण वाई वाई ऋण जेड एक्स ऋण जेड, यही रहा था बच्चों। ये ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी और ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो, ये जीरो दिया गया, सिद्ध कर रहा है या तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होगा या अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल होगा। बेटा अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो सब जानते हो ए बी सी आर इन जी पी अगर है तो क्या होगा, टी टू अपान टी वन बराबर टी थ्री अपान टी टू, तो बी अपान ए बराबर होगा सी अपान बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब बी स्क्वायर एड ए सी जीरो। अब अल्फा इसका मूल होगा तो अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, अगर इतना बराबर जीरो आ गया तो इसको हम दर्शा सकते हैं कि अल्फा इसका मूल है, क्योंकि अल्फा इसको संतुष्ट कर रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के रूप में प्रोडक्ट आना है, हमारा टारगेट यही है, बी स्क्वायर एड ए सी जब जीरो करेंगे या तो ए जीरो होगा या तो ए जीरो होगा, तो ए जीरो करेंगे तो ए बी सी आर इन जी पी आ जाएगा, और ए जीरो करेंगे तो अल्फा इस समीकरण का मूल आ जाएगा। हमारा टारगेट फिक्स है कि हमको करना क्या है, तो बहुत ध्यान से हम लोग इसको करते हैं एकाग्रता से। यहाँ देखिए जीरो के बराबर दिया गया है, हम करेंगे क्या, यहाँ ए अल्फा प्लस बी है बच्चों, तो अल्फा का गुणा करके घटा देंगे तो ए अल्फा प्लस बी में ए अल्फा घटेगा तो बी बचेगा, और बी अल्फा प्लस यहाँ देखिए बी अल्फा घटेगा इसमें सी बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा का गुणा करेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा घटेगा तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर थ्री की जगह लिखेंगे आर थ्री माइनस अल्फा आर वन, तो यहाँ क्या होगा, ये आर वन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मुद्दा ये बनता कैसे दिमाग में आया कि यही ये करना है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए बी सी है, तो मैं चाहता तो ये भी कर सकता था आर थ्री माइनस
अल्फा आर वन और माइनस आर टू, लेकिन एक स्टेप और करेंगे हम लोग। अब यहां देखिए, अब यहां बी सी बी अल्फा प्लस सी, अब यहां देखिए टारगेट अल्फा का गुणा कर घटाएंगे तो बी, अल्फा गुणा कर घटाएंगे सी, अल्फा गुणा कर घटाएंगे तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, राइट। यहां तक आपको आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बी बी और सी सी है तो आर थ्री माइनस आर टू कर दें तो दो जीरो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे आर थ्री माइनस आर टू करेंगे। तो देखिए ए बी ए अल्फा प्लस बी, यहाँ बी सी बी अल्फा प्लस सी, यहाँ इसमें इसको घटाएंगे जीरो, सी में सी घटाएंगे जीरो, इसमें इसको घटाएंगे माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस सी, तो आ जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा माइनस सी, बेटा माइनस बी अल्फा माइनस बी अल्फा। अब हम इसका प्रसार करेंगे चिन्ह, तो इसका प्लस ही होगा तो बाहर जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा माइनस सी, प्रसार करेंगे तो ए बी बी सी आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा माइनस सी ए सी माइनस बी स्क्वायर, चाहे तो ऋण का गुणा कर दो चाहे इसको पलट दो, मतलब वही हुआ ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए एकदम वही बना, या ए जीरो होगा या ए जीरो होगा, अगर ए जीरो हुआ ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, या बी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो क्या होगा, जो है अल्फा किस समीकरण का मूल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल होगा अल्फा, ये होगा तो, और बी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो होगा, यदि ये जीरो होगा तो अल्फा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो अगर होगा तो अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल होगा, और बी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो होगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ए बी सी जो है गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है या तो ए जीरो होगा या तो जीरो, ए जीरो होगा या तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होगा या अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आप जानते हो जो एन सी वन का सूत्र होता है एन, सभी लोग जानते होंगे, एन सी टू का जो सूत्र होता है एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू का मतलब दो गुणे एक, तो दो आ जाएगा एन सी टू का मान, और एन सी थ्री का मान होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री का मान होता है तीन गुणे दो गुणे एक छह, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स। तो आप इसका यूज करेंगे फैक्टोरियल टू को टू इंटू वन, फैक्टोरियल थ्री को थ्री इंटू टू इंटू वन, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इसमें यक्स सी वन है तो इसका मान यक्स होगा, यक्स सी टू होगा तो यक्स यक्स ऋण एक बटे फैक्टोरियल टू मतलब टू, एक्स सी थ्री है तो यक्स यक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटे फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स, ऐसे वाई सी वन है तो वाई यहाँ वाई वाई माइनस वन अपॉन टू, यहाँ वाई वाई माइनस वन वाई माइनस टू अपॉन सिक्स, फैक्टोरियल थ्री का मतलब सिक्स, जेड सी वन है तो जेड हो गया जेड जेड माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू अपॉन सिक्स। अब बच्चों कुछ कामन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ एक बटे दो कामन है, यहाँ एक बटे छः कामन है, बटे दो है, देखो एक बटे दो एक बटे छः, और यहाँ यक्स भी कामन है, पहले आप एक साथ दोनों में कामन नहीं लेना चाहिए, पहले सी टू से एक बटे दो और सी थ्री से एक बटे छः कामन ले लीजिए, तो एक बटे दो गुणे एक बटे छः बाहर आ जाएगा, बचेगा यक्स वाई जेड, यहाँ यक्स यक्स ऋण एक वाई वाई ऋण एक जेड जेड ऋण एक, यहाँ यक्स यक्स ऋण एक यक्स ऋण दो, यहाँ वाई वाई ऋण एक वाई ऋण दो, और यहाँ जेड जेड ऋण एक जेड ऋण दो। ये तो आपने सी टू और सी थ्री से कामन निकाला, एक बटे बारह हो गया है। अब आप देखिए,
आर वन में एक्स और आर टू में वाई कॉमन है, तो एक्स वाई भी बाहर और आर थ्री में जेड, तो एक्स वाई जेड बाहर आएगा। आर वन से एक्स, आर टू से वाई, आर थ्री से जेड कॉमन लेंगे तो बचेगा वन, और यहां एक्स रीड एक, और यहां एक्स रीड एक, एक्स रीड दो, यहां वन वाई रीड एक, यहां बचेगा वाई रीड एक, वाई रीड दो, यहां वन जेड रीड एक, जेड रीड एक और जेड रीड दो, ये चीज हो गई। इसको घटाएंगे तो बच्चों आपके दिमाग में रहेगा सर इसको तो घटा देंगे जीरो, ये भी घटा देंगे एक्स रीड वाई, ये भी घटा देंगे वाई, लेकिन इसको कैसे घटाएंगे? तो बच्चों इनको गुणा करके हम घटा के ही करते हैं, तो देखिए कैसे अलग से कर देते हैं, एक्स रीड एक, एक्स रीड दो और रीड वाई रीड एक, वाई रीड दो, जब घटाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर रीड तीन एक्स धन दो, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर रीड तीन वाई है तो चिन्ह बदलेगा, धन तीन वाई हो जाएगा और धन दो रीड दो हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरी बात नहीं समझ रहे हो भी आप देखिए इसका गुणा कर दीजिए ब्रैकेट में ही, एक्स स्क्वायर रीड एक्स रीड दो एक्स धन दो, और यहाँ ब्रैकेट में वाई स्क्वायर रीड वाई रीड दो वाई धन दो, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर रीड तीन एक्स धन दो, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस तीन वाई धन दो, ब्रेकेट घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर रीड तीन एक्स धन दो रीड वाई स्क्वायर धन तीन वाई रीड दो, तो यहाँ बच्चों देखिए दो से दो कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर रीड वाई स्क्वायर बचा और रीड तीन एक्स धन तीन वाई, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रीड वाई को एक्स रीड वाई एक धन वाई, और यहाँ रीड तीन को एक्स रीड वाई यहाँ हो जाएगा, और दोनों में एक्स रीड वाई का मान ले लेंगे तो एक्स धन वाई रीड तीन, इसको आपको करना है अलग से करके करना है ऐसे, इसमें से चक्री क्रम में हम बना लेंगे वाई रीड एक वाई रीड दो में जेड रीड एक जेड रीड दो जाएगा, और इसको राइट साइड आप करिएगा परीक्षा में भी, इसमें आएगा वाई रीड जेड चक्री क्रम में और यहाँ वाई प्लस जेड माइनस थ्री, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड, तो ये इस तरीके से आपको अलग से करना है, आर वन में आर टू और आर टू में आर थ्री घटाएंगे, आर टू में आर थ्री, आर वन में आर टू और आर टू में आर थ्री, आर वन में आर टू घटाएंगे और आर टू में आर थ्री घटाएंगे, यहां वन में वन गया जीरो आएगा, यहां ये घटेगा वन से वन कैंसिल एक्स रीड वाई, और यहां तुमने जो है पहले से ही निकाल लिया है एक्स रीड वाई एक्स प्लस वाई रीड तीन, ऐसे वन में वन गया जीरो, यहां वाई रीड जेड और यहां बना आपका वाई रीड जेड वाई प्लस जेड माइनस थ्री, यहां वन जेड माइनस वन जेड माइनस वन जेड माइनस टू। अब बच्चों आर वन में एक्स रीड वाई और आर टू से वाई रीड जेड कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई जेड अपॉन ट्वेल्व, तो एक्स रीड वाई और वाई रीड जेड कॉमन ले लिए तो बचा क्या जीरो वन एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, जीरो वन वाई प्लस जेड माइनस थ्री, वन जेड माइनस वन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, ये चीज अलग से आप निकाल लीजिएगा करेंगे। सी वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे बच्चों, तो सी वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हो जाएगा वन एक्स प्लस वाई रीड थ्री, वन वाई प्लस जेड माइनस थ्री, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन ट्वेल्व, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इधर हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस थ्री रीड एक्स रीड वाई प्लस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया एक्स वाई जेड एक्स रीड वाई वाई रीड जेड, यहाँ जेड रीड एक्स अपॉन ट्वेल्व, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, कंपटीशन में आता है।